चमन समेत बलोचिस्तान के 35 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी है। यूसी चेयरमैन आखिरी मरहले में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहां की मजीद सूरत हाल अब्दुल बासित से हम जानेंगे। जी अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के बलदियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं ज़िला असम्बली हाल के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए इलेक्शन की जो तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त 61 वोटरान जो है वो वोट कास्ट करेंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को कामयाब बनाने के लिए। यहाँ पर वोटिंग का जो अमल है वो जारी है, जिसमें दो फाइनल जो है वो मध्य मुकाबल होंगे, जिसमें से फरीक पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, जमात उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार है चेयरमैन के लिए अमानुल्लाह है, जबकि जो मुखालिफ पैनल है जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और मजलूम उलसी तहरीक के जो नामजद उम्मीदवार है वो जो है वो जमाल शाह को नामजद कर दिया गया है। से फरीकैन ये दावा किया जा रहा है कि वोट ज़्यादा वोट का जो बरतरी है वो हमें हासिल है। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है, यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटिंग का ये अमल शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहे और इस इलेक्शन के साथ ही जो इलेक्शन इख्तिताम होने पर तमाम जो बलदियाती इदारे हैं वो पाल हो जाएंगे। जी